عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से के इतने में सदाई अब्दुल्ला हके घर से मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुसैन कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली या रबीब मुस्तफा बल्लिग़ मा क़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिमी। तकरीर के लिए भी हम बुलाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिफा से के वहाँ और आके अपनी स्पीच करें जश्न आज़ादी के वाले भरपूर तालियों में। सदर आली मर्तबत, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो देखती हूँ खुद को कई बार पीछे महसूस करके देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि कायद के अंदर मेहनत की तस्वीर, बाल के ख्वाब की ताबीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, मेरा पाकिस्तान लहू लुहान दुनिया के नक्शे पर जब बनकर उभरता है तो दुश्मन जल कर कहते हैं कि चंद माह से ज़्यादा चल ना पाएगा। लेकिन आज तारीख ये मंजर देखती है कि हम अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ कायम और दाइम हैं बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। हम देखें
मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए हो क्या क्या सुर बिखराए सुनने वाले सुने तू उनमें एक ही धुन लहराए सबके साथ आवाज आनी चाहिए एक ही धुन लहराए ओ पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान तो हमने कोशिश की है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को हम एक इंटरनेशनल लेवल पर इनको एक सीरीज़ खेलने का मौका दें तो मैंने और नदीम भाई ने मिलकर मैडम सईदा इफ्तिखार ने मिलकर कब्जा भाई जितने मेरे दोस्त हैं उन्होंने मिलकर हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान की काजिकिस्तान की और श्रीलंका से हमने टीमें पाकिस्तान बुलवाई हैं जो इंशाल्लाह ताला 3 तारीख से इंशाल्लाह पहला हमारा सीरीज शुरू हो रही है 3 सितंबर से कराची के अंदर और आपकी सरपरस्ती रही गुब्बारे राम को बख्शा करोगे वादी सीना निगाहें जिसको मस्ती में वही अवल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही काहा तमाम आने वाले मौजूद मेहमान खासकर सरदार गुरहीम साहब बड़े जरीना जो हैं वो सियासी रहनुमा हैं और कराची के हवाले जिनकी बड़ी खिदमात हैं इन्हें और दीगर साथियों को शामदीद कहता हूँ मैं जो लोग पहले भी मैं बात करता रहता हूँ लेकिन जो लोग यहाँ नए हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम में आप खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में खड़े होना हमने हमेशा एजाज की बात करती है आज मेरा कैमरामैन बीमार था लेकिन आपने देखा होगा कि मैं मोबाइल से खुद बना रहा हूँ और मैं उसमें कोई हार महसूस नहीं करता जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल का सीईओ हूँ एक अखबार का चीफ एडिटर हूँ और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कि इस वक्त सिंध भर की नुमाइंदा तंजीम है उसका मैं साल जनरल सेक्रेटरी हूँ और कराची का दूसरा बड़ा फैक्ट्री कराची जो है उसका मैं नायब सदस्य हूँ बता मैं इसलिए रहा हूँ आपको कि ये प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम नहीं है क्योंकि ये वो हस्ती प्रोग्राम कर रही है जिसकी इस वतन अजीज़ के लिए खिदमात की एक सीरीज़ है एक सिलसिला है मैं बयान करना शुरू करूं तो आप यकीन करें कि आप खुश भी होंगे लेकिन आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे लेकिन क्या किया जाए कि हमारे मुल्क में कई मिसालें हैं जिनके साथ हमने यही किया सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आपके सामने है और कई मिसालें हैं तो औरंगज़ेब सुल्तान वो शख्सियत है कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहीम भाई आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है 4 या 5 शख्सियात ऐसी हैं पाकिस्तान की जिनका नाम इस किताब की जीनत बना उसमें एक औरंगज़ेब सुल्तान है जिन्होंने पैदल चलने का एक आलमी रिकॉर्ड उस वक्त कायम किया 2004 में मैक्सिको और उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और जब ये पाकिस्तान आए तो मुशर्रफ साहब ने उस वक्त जो है एक बड़ी खतीर रकम एक करोड़ रुपया जो है जो कि उस वक्त आप जानते हैं कि सन 2004 में 1 करोड़ रुपए की क्या मुफ्त थी इन्हें बतौर इनाम दिया और उस वक्त जो है आपको याद होगा कि एक सैलाब का बहुत बड़ा सिलसिला था पाकिस्तान के माफ़ कीजिएगा तो इन्होंने वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की और वो तमाम पैसा जो है वो उन मुतासरीन की इमदाद पर सर्व कर दिया और दुख के साथ ये कहता हूँ फ़ख्र के साथ भी लेकिन दुख के साथ भी कि आज भी ये शर्त कराए के मकान में रिहाइश कर दिए और शायद के इसे अपने घर की रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं लेकिन एक मेहरबान कुछ लोगों ने की कि पाकिस्तान रेलवे के हवाले से
इनके खिदमत के तौर पर इनको एक आज़ादियाँ दी जाती है जिससे अपना ये निज़ाम चला रहे हैं और जिससे ये सारा कुछ कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। अब गवर्नमेंट का रोना क्या रोएं, रोते आ रहे हैं हम बड़े अच्छे दराज से। मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर की अलामा साहब मिसाल आपको दे दी, लेकिन दुख होता है, अफसोस होता है। और आज सरदार साहब मौजूद हैं तो आप माशाल्लाह उस इस वक्त उस सियासी पार्टी से जिसका सिंध में एक बड़ा बहुत बड़ा हल्का असर है और वह हुकूमत में भी किसी न किसी तरह शामिल रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे शरीके काफिला होंगे तो हमें आपकी मदद जो है वो हमेशा शामिल हाल रहेगी इंशाल्लाह। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि ये जो इसने कुर्बानी की एक दास्तान शुरू की वो वह ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि जब आपको याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हो और बदकिस्मत देखिए, खुशकिस्मती ये देखिए कि शहादत मिली। लेकिन कहते हैं ना शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किस्मत कुशाई, उस साने में इनका अकलौता बेटा शहीद, तो ये शहीद का बाप भी है। और उसके बाद इसने मायूस होने के बजाय गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होने की वजह से, फंड्स ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से, उसका रोना रोने के बजाय इसने अपने तौर पर यह बेड़ा उठाया और इस लश्कर पार्क में एक कराची भर के खासकर सरकारी स्कूलों के नौजवानों को इकट्ठा किया और उनकी एक टीम और यहाँ पर एक ट्रेनिंग का सिलसिला है जो कि बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 2 या 3 लड़के कुछ खड़े भी हैं कि जिनको अंडर 19 में भी एजाज हासिल हुआ है इस टीम का, जो कि आगे गए हैं बच्चे और गरीब घराने के बच्चे। तो मैं अनिल भाई आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपकी कुर्बानियों की कदर दुआ करता हूँ कि काश ये कौम जिसने बड़े बड़े पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को फरामोश कर दिया, उनकी कदर नहीं की, काश के ज़िंदगी में ही आपकी कदर करे। लेकिन बहरहाल जो कदर व मंजिलत आपकी हमारे दिलों में है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी और हम आपके साथ तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों के लिए इंतहाई मशहूर और ममनून हूँ। खासकर सरदार साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ, मुझे पता है कि ये जिस जहन के हैं कि इंशाल्लाह ताला ये हमारे इस जज्बे में हमारे साथ शामिल करेंगे। शी आस्किंग अगेन कैन यू शो मी मेडिसिन, मैंने बोला इट इज़ नॉट माई मेडिसिन। पहले इसको कलमा पढ़ते हैं, वजू करते हैं, फिर हाथ लगाते हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से बड़ा मेरे लिए एजाज ये था कि उस लड़की ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये धरती, ये मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और आखिरी दम तक इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम करता रहूँगा। गवर्नमेंट साथ दे ना दे, आज भी मैं काम कर रहा हूँ और आखिरी मरते दम तक मैं काम करता रहूँगा। अल्लाह ताला मेरे साथ है और मुझे यकीन है अल्लाह ताला ने आज सरदार साहब जैसे मौजूद मेहमानों को यहाँ भेजा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप सरपरस्ती ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरे नहीं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान के बच्चे हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर स्पोर्ट्स बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट में हमारे पास कोई नहीं, इनके बच्चों के कैम जितना भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, मकान किराए का हो या अपना हो, लेकिन ये मुल्क तो अपना है ना। मेरा शराफती कार्ड तो मुल्क का है जिसने मुझे इज्जत दी और इस इज्जत के लिए इंशाल्लाह ताला आज मैं जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ। और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, आप हिम्मत मत हारो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। औरंगजेब सुल्तान एक तारीख का नाम है जो पाकिस्तान की तारीख इसने रकम की। ये वो मुजाहिद है कि अय्याम गम चल रहे हैं, मुहर्रम का महीना है और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, उसके बावजूद मैं औरंगज़ेब सुल्तान के आना फ़ख्र महसूस करता हूँ, इसके साथ बैठना फ़ख्र महसूस करता हूँ, इसलिए कि जिसने अपना सब कुछ इस मुल्क को दे दिया, अपनी ज़िंदगी दे दी, अपने बच्चे की इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और जो ये बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसके साथ कदम ब कदम चल कर ये बताएं कि कम से कम
गवर्नमेंटें आती रहती हैं, आज किसी की है कल किसी की है, सरदार साहब कुछ पता नहीं थी। मगर याद रखिए, पाकिस्तान जो बना था उसके मकसद की हकीकी तकमील के लिए औरंगज़ेब सुल्तान जिस तरीके से तन्हा खड़ा है, डगमगाता नहीं, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, तो ये मुजाहिद को मैं ये शेर डेलीगेट करूँगा कि जब भी कभी ज़मीन का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। इमाम हुसैन ने भी ये नहीं देखा था 28 रजब को कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, पूरी दुनिया रोक रही थी, मगर उनको उनके सामने वो उनको ये मालूम था कि मैं शरीयत का वारिस हूँ, मैं वाहिद हूँ जो मैं अपने नाना की शरीयत का को बचाऊंगा, और उन्होंने बचा के रहती दुनिया तक इस्लाम को बचाया। आज पाकिस्तान पर वक्त है, चारों तरफ से यलगार है, ये बच्चे जो खड़े हैं, ये बेटियां जो खड़ी हैं, आज ये छोटी बच्चियां हैं, कल इनके नाम के साथ कुछ ना कुछ होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि औरंगज़ेब सुल्तान आप जो पौधा लगा रहे हैं, मत कीजिए परवाह के कौन आपके साथ है कौन नहीं है, अगर ये देख लिया तो फिर हम हुसैनियत के रास्ते से हट जाएंगे। हुसैनियत का रास्ता हमें ये बताता यही है कि डट जाओ, सर कटा दो, झुकाओ नहीं। एक दिन आएगा औरंगज़ेब सुल्तान, ये बात याद रखें, पता नहीं कितनी मजलिसें मैंने इस नक्शा पार्क में पढ़ी हैं, अगर मैं शुमार करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, मगर आज मजलिस से हट कर ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आज आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि आपका नाम ऐसी जगह लिखा हुआ होगा, ऐसी जगह लिखा होगा जब ये बच्चियाँ और ये बच्चे बड़े होंगे और अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे, तो दुनिया को पता चलेगा कि औरंगज़ेब सुल्तान क्या है और उसने क्या किया है। और यकीन जानिए, मायूसी कुफ्र है, और सरदार साहब तो एक बहुत ही नहायत शफीक, मोहब्बत करने वाले और एक सादा ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इनका आना यहाँ इस बात की अलामत है कि मैं इनकी तरफ से कह रहा हूँ, कोई किसी की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान में गारंटर को क्या कोई किसी की तरफ से जो है नुक्ता लगाने को भी तैयार नहीं होता, मगर मैं सरदार साहब की तरफ से आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये सिर्फ आप नहीं होंगे, जब भी सरदार साहब को बुलाएंगे ये ज़रूर आएंगे। इसलिए इनका विजन भी यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और हमारा विजन भी यही है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। और कब आगे बढ़ेगा पाकिस्तान? जब हम ये कौम कबीलों, अभी मैं शहजाद भाई से यही कह रहा था, कौम कबीले नस्ल फिरकों में हमें उलझा दिया गया, हम उलझ के रह गए ताकि हमारी दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकें, कहीं फिरका है। अल्लामा इकबाल ने यही तो कहा था कि फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें, छोड़ें आए पाकिस्तान की बात करें, उस कायद आज़म की बात करें जिसने इस मुल्क की आबियारी की थी, और जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं सरदार साहब, पीर साहब बागारो रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान ने तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए और अब तक देते आए हैं, तो इनका तो विजन ही, इनकी पार्टी का विजन ही पाकिस्तान की खिदमत है। तो आप तन्हा नहीं हैं, हम कदम कदम पे आपके साथ हैं, आप जब आवाज़ देंगे हम आएंगे, इसलिए कि हम हुसैनियत के मानने वाले हैं, और हुसैनियत को जो मान ले वो कभी किसी मैदान में भागता नहीं है। आज दुनिया में यजीद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं, लेते भी हैं तो छुप के, और हुसैन का परचम यहीं से देखें कितना बुलंद नज़र आ रहा है, हर बिल्डिंग पे आपको अलम नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये हुसैन की जीत का ऐलान है। इसी तरीके से कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, सब ने मिल के बनाया था, तमाम फ़िरके थे, तमाम कौमें थी, उनका नज़रिया ये था कि सब मिल के पाकिस्तान की बखा के लिए काम करें। औरंगज़ेब सुल्तान जो पौधे लगा रहा है, जब ये शजर बन जाएगा तो देखिएगा कि औरंगज़ेब सुल्तान रहे न रहे, औरंगज़ेब सुल्तान का नाम ता कयामत जब तक पाकिस्तान है तब तक औरंगज़ेब। और अब तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैच जो होगा उसकी अनाउंसमेंट भी ये करने वाले हैं, तो मैं सरदार साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि औरंगज़ेब का साथ नहीं दें बल्कि पाकिस्तान का साथ दें, औरंगज़ेब में मुकम्मल पाकिस्तान है, ये उस शहीद का बाप है जो अल्लाह ने, बस अल्लाह ने ये वो मुकाम दिया है कि
इसका बेटा वहाँ शहीद हुआ जहाँ दहशत गर्दों ने उन फूलों को मसल दिया कि जो नन्हे नन्हे बच्चे थे उन दहशत गर्दों के हाथों से इसके बच्चे ने, अकलौते बच्चे ने शहादत पाई। ये कभी कभी बोलते हुए अगर रो पड़ते हैं तो शायद इन्हें करबला याद आती है, करबला से हरारत हासिल करते होंगे। याद रखिए कि कुछ नहीं होगा मगर पाकिस्तान के नाम पे हम अपनी जान के खून का आखिरी खतरा भी है, अगर है तो वो पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले पाकिस्तान फिर और कोई बात। मिलके मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई औरंगजेब सुल्तान साहब, हमारे भाई नदीम खान साहब, अलामा सज्जाद साहब, मौलाना हामिद रजा साहब और दीगर तमाम मौजूदीन यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनसेक्रेटरी मौजूद हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर मौजूद हैं और तमाम मौजूदीन जो यहाँ पर हैं, मेरी बहनें खवातीन तशरीफ रखती हैं। बड़ा एक मुनफरद किस्म का प्रोग्राम आपने आज कर दिया। आप यकीन करें जिस तरह से रिवायती तौर पर चीज़ें होती हैं तो मैं यही सोच रहा था कि उसी किस्म का होगा, फिर वो एक ग्राउंड से तब्दील हो गया दूसरे ग्राउंड में। मैंने कहा यार कुछ मामला इनका ढीला ही है, पता नहीं 3:30 बजे भी प्रोग्राम शुरू होगा या नहीं, तो उस वजह से थोड़ी तारीख तखीर फिर मेरी वजह से भी हो गई आने में। लेकिन यहाँ आके आप यकीन करें कि दिल को बड़ा इत्मीनान मिला है, बहुत एक ऐसी तकवीत इस माहौल में, पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक ऐसी तकवीत मिली है हौसले को कि जो डूबती हुई उम्मीदें हैं वो दोबारा से तरोताज़ा हो गई हैं और हम पाकिस्तान पे यकीन हमारा गैर मुतज़लज़ल हो गया है और ये नारा लगाने का दिल चाहता है पाकिस्तान। अलामा सज्जाद साहब ने फरमाया कि औरंगज़ेब सुल्तान की जो रूह है वो पाकिस्तान की रूह है, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अपने आप को तना न समझें, आप के साथ पाकिस्तान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन औरंगज़ेब सुल्तान की जो, मुझे मालूम नहीं था लेकिन जो इनके हवाले से यहाँ पर बातें हुई हैं तो मैं ये कहूँगा कि यही पाकिस्तान, इनकी कहानी और पाकिस्तान की कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जिस अज़्म से वो मरज़ वजूद में पाकिस्तान आया, लोगों की इतनी उम्मीदें यहाँ पर वाबस्ता थी, लोग अपने घर बार, अपना कारोबार, अपने रिश्तेदार, अपने बुज़ुर्गों की कब्रें सब छोड़कर यहाँ पर आए इस उम्मीद के तहत कि इस मुल्क में ये मुसलमानों का मुल्क होगा, इस मुल्क में तरक्की करेंगे और इस मुल्क के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में हमारी पहचान होगी। लेकिन अब आपकी तंजीम पाओ है, शुक्र है आपका ये तंजीम का जो एब्रिविएशन है वो पाओ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई तंजीम बनाता है या जो भी काम करता है वो सिर्फ कहता है खाओ। आपने ये सोच के नहीं नाम रखा होगा लेकिन यकीनन ये बिल्कुल तर्जुमानी करता है आपके जज्बात की और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और आपके तमाम साथियों को। अब क्रिकेट की अगर थोड़ी सी मैं आप इजाज़त दें तो बात करूं, बड़ी यादें हैं इस मिशर पार्क से हमें, हम गार्डन में रहते थे, हम 6 भाई हैं माशाल्लाह, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्त भाइयों के दोस्त भी दोस्त होते हैं, तो एक पूरी फौज दर दफर मौज हमारे साथ होती थी और हम क्रिकेट में दिलचस्पी रखते थे। इसी ग्राउंड में
एक तारीखी बात मेरे लिए तारीखी है करूँ कि जावेद मियादाद के साथ हमने यहाँ मैच खेला है, वो बहुत छोटा सा था और उस वक्त भी अच्छा खेलता था, 24 रन उसके बनाए थे मुझे याद है, जब मैटिंग की विकेट होती थी 73,000 और तो हमने इससे बड़ी यादें हैं, माशाल्लाह बहुत मैच खेले हमने। तो ये एक इस तरह का एक माहौल बन गया है कि जो कराची हम में बसता है वो आज दोबारा ज़िंदा हो गया। मैं पहली अंडर 19 टीम पाकिस्तान की शायद 1971-72 में बनी थी, मैंने उसके ट्रायल दिए थे और मैं फाइनल ट्रायल के लिए तकरीबन सेलेक्ट हो गया था और फिर वही पाकिस्तान का सिस्टम, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो जो काबिज़ हैं स्पोर्ट्स की सियासत में जी बुखारी साहब, उन्होंने मेरा पत्ता काट दिया और वो कहा कि चीफ सेलेक्टर नहीं आए तो आप कल दोबारा आइएगा चीफ सेलेक्टर के पास। मैं तो गरीब घराने से था, बस में तमाम पसीने में शराबोर, तो पद भी लंबा, सर झुका के बस में भी चढ़ कर मैं वैसे भी ज़िंदगी में सर झुका के चले, बस में तो खास तौर से बस सर झुका के चलना था, तो मुझे चुप पड़ गई कमर और दूसरे दिन आया तो ज़ाहिर गेंद नहीं हुई मेरे पास, इतना सारे जमात उन्होंने प्लास्टर और सलोन पास और ये और वो लगाए, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे, तो भारत उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन पहली गेंद कराई और दोबारा से जोर पकड़ गया। तो ये इन बच्चों को मैं कह रहा हूँ, ये जो आज सामने खड़े हैं और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है पूरे पाकिस्तान से आपने लोग जमा किए हैं, मेरी बड़ी मेहनत आपने की है और ये बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है वो उसमें चार चांद आपने लगाने हैं और ये जितने बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, इमरान खान हो या इंजमाम अलग हो या जावेद मियादाद हो, मैंने जावेद मियादाद का तो आपको खुद ही ज़ाती अपना तजुर्बा था कि हमारे साथ यहाँ निश्चर पार्क में बहुत छोटा सा था इस वक्त क्रिकेट के लिए, तो आप भी उनकी तरह हो सकते हैं बशर्ते कि आप बुराई से बचें, बुरी आदतों को दूर करें, दूर रहें और अच्छे किरदार के साथ मेहनत करें, तो इंशाल्लाह कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा। अब ये बात यहाँ पर करने की नहीं है लेकिन औरंगजेब सुल्तान साहब आप मुझे अपना एक कारकुन समझिएगा, जब भी कोई मामला होगा मैं बिल्कुल दामे धर्मे हर लिहाज से आपका इंशाल्लाह साथ देने का, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरह से अलामा साहब ने फरमाया जो पौधा आपने लगाया इंशाल्लाह कनावर दरख्त होगा एक दिन और इंशाल्लाह ताला आपकी सोच से, आपके जज्बात की वजह से, आपकी कारकर्दगी की वजह से इस मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, हमारे नौजवानों को फ़ायदा होगा और ये पॉजिटिव चीज़ है जो कि जिसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला आपका साथ दे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करे, हम जैसे फ़कीर भी आपके साथ होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हर लिहाज से आपका हम साथ दें और हम सपोर्ट करें आपकी मूवमेंट, मैं ये मूवमेंट ही कहूँगा इसको। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आज हम यहाँ पर सुल्तान औरंगज़ेब भाई की बावकार तकरीब के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर अल्लामा सुजात साहब भी हैं, नदीम खान साहब भी हैं, अदीस साहब भी हैं और मरकज़ ऐवान परेश की जानिब से मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ नदीम परेशी साहब की हिदायत पर। मुख्तसर ये है कि सुल्तान औरंगज़ेब जो हैं वो पाकिस्तान के नौजवानों को वापस जो हमारी रवायत, हमारी सकाफत और हमारी इकदार है कि नौजवानों के अंदर वापस फुर्तीलापन लाया जाए, उनको शऊर उजागर किया जाए, उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए
اسکاؤٹس کے ذریعے و دیگر گاہے بگاہے غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے تو سلطان اورنگزیب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ بڑے جد و جہد کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی اس نوجوان نسل کو واپس ان کی تہذیب سے روشناس کرانے. اورنگزیب سلطان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو 14 اگست کے حوالے سے پروگرام کیا اور ہمیں مدعو کیا اپنے ساتھ, اور میں ان کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو 19 ٹیم انہوں بنا کے آج وہ اناؤنس کرنے والے ہیں اور جو انٹرنیشنل میچ ہونے والا ہے. اور میں پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ یہاں پر غریبوں کے بچے آج اسپورٹس کھیل لیں اور یہ آگے انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ. بہت شکریہ. ہمیں اس غلامی کی جنجیروں سے نکل کے واقعاً صحیح معنوں میں حقیقی آزادی کے طرف گامزن ہونا چاہیے, اور پاکستان ایک نعمت ہے جسے ہمیں آزادی دی کہ اعزازم محمد علی جناح جو اس کی سالگرہ منا رہے ہیں, اور امید ہے کہ ہمارے حکمران کے اعزازم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اسی طرح جدوجہد کریں اور یہ استعماری سامراج اور امریکی سامراج سے غلامی سے آزادی کر کے پاکستان کے حقوق لوگوں کو دلائیں تاکہ پاکستان امن و امان ہو. اور